राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत नगर परिषद में भूखंड के पट्टे जारी करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक नगर परिषद को पट्टों के लिए 222 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 112 पट्टे नगर परिषद द्वारा जारी किए जा चुके हैं, वहीं 110 पट्टों के आवेदन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभियान में आबादी विस्तार, आवंटन, घरेलू शौचालय संबंधी आवेदन, सड़क मरम्मत, नाला नाली मरम्मत, सड़क सुरक्षा के लिए भी शिविर में लोग उमड़ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दिवस पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासन सहयोग संघ अभियान के तहत बाड़मेर नगर परिषद में भूखंडों को पट्टे देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शिविर को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी शिविर में लोगों का जमावड़ा नजर आया। लोग नगर परिषद सभापति दिलीप माली एवं आयुक्त दिलीप पुनिया से पट्टों संबंधी जानकारी लेने के साथ आवेदन करते नजर आए। 2 अक्टूबर को शुरू हुए इन अभियान के तहत नगर परिषद अब तक 112 भूखंडों के पट्टे भी जारी कर चुकी है। वहीं 110 पट्टों का आवेदन प्रक्रियाधीन है। इसमें कृषि भूमि नियमन के 32 पट्टे, 69A के 25, स्टेट ग्रांट एक्ट के 41, योजना भूमि के 14 पट्टे शामिल है। इसके अलावा भवन निर्माण संबंधी 10 आवेदनों में से 6 को स्वीकृति प्रदान की गई है एवं NULM के 86 आवेदनों में से 38 का निस्तारण कर दिया गया है, वहीं 48 प्रक्रियाधीन है। नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया ने बताया कि अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में पट्टों से वंचित लोगों को नियमानुसार पट्टे जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदनों की त्रुटियां में भी सुधार करवाया जा रहा है। इसके अलावा लीज, भवन निर्माण, आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटन, घरेलू शौचालय, सड़क मरम्मत, नाला नाली मरम्मत समेत शहर स्तरीय सुविधाओं को लेकर प्राप्त आवेदनों का भी नगर परिषद द्वारा निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 69A कृषि भूमि और स्टेट ग्रांट के 112 पट्टे कल 5-10 तक जारी कर दिए हैं और कल हमने एम्पावर्ड कमेटी की बैठक थी, उसमें लगभग 60 पट्टों की फाइलों की स्वीकृति और दी है जो आज और कल में जारी हो जाएंगे। और अभी जो 69A के तहत है वो जो पुराना आबादी एरिया है जिसमें शहर के लगभग 22 वार्ड आते हैं, उस एरिया में 69A के पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जा रही है और जिन खसरों को लेआउट पुलानपुरों से अनुमोदित है कृषि भूमि के, उनकी पत्रावलियां लेके और उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य कृषि भूमि के खसरे हैं जिनके लेआउट प्लान अनुमोदित नहीं है, उनके लेआउट तैयार हो रहे हैं, प्रोसेस में है, जो संभवतः है अक्टूबर माह के अंत तक स्वीकृत हो जाएंगे। उसके बाद में उन खसरों की एडवर्टाइजमेंट जारी करके पत्रावलियां लेके उनके भी पट्टे जारी किए जाएंगे। जैसे सफाई की जब कोई समस्या सामने आ रही है तो तुरंत यहाँ पे सफाई शाखा से रिलेटेड एक कर्मचारी को यहाँ अपॉइंट कर रखा है ऑफिस में, वो तुरंत उसी दिन या नेक्स्ट दिन तक उस समस्या को निस्तारण कर रहे हैं। और क्योंकि अभी बरसात का मौसम अभी निकला है तो जो कुछ वार्डों में जो पेज के कार्य हैं वो कार्य भी कल से शुरू हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो समस्याएं आ रही है वो अभियान अवधि में साथ के साथ ही निस्तारित करवा देंगे। गौरतलब है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत राज्य की गहलोत सरकार ने आमजन को भूखंडों के पट्टे देने के साथ विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही है। ऐसे में शहर की सरकार द्वारा भूखंडों के पट्टे के साथ साथ बिगड़ी सफाई व्यवस्था में सुधार, नाला नाली निर्माण, नाला नाली दुरुस्तीकरण, 20 किलोमीटर तक सड़क सुधार समेत शहर के वार्डों में निवासरत लोगों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर चलने के दावे करती नजर आ रही है, लेकिन अभियान के बाद भी स्थितियां कुछ स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम को लेकर पिछले कई वर्षों से नगर परिषद पर सवाल उठते रहे हैं।